रक्षाबंधन भाई बहन बहन की पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन भी है और इस मौके पर दोनों शुभ कार्यों को बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, सिर्फ नाम है लोगों का लेकिन करने में तो विश्वास रखती है जन अधिकार पार्टी। समय पड़ती है तो राजनीति भी करती है, समय पड़ती है तो सेवा नीति भी करती है। गालिमपुर गांव में जन अधिकार पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर रहे मौजूद। हम आपको बता दें कि गुरुवार को करापुसर प्रखंड क्षेत्र के गालिमपुर गांव में जन अधिकार पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने केक काट कर जन अधिकार पार्टी के नेतागण कार्यकर्ताओं को खिलाने का काम किया है। इस मौके पर नालंदा जिला के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ऐसे में पार्टी को सफल संचालन एवं योगदान देने के लिए सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए कहा गया है एवं नए सदस्यों को जोड़ने के लिए भी कहा गया है। क्या कुछ कह रहे हैं युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर, जरा सुनिए। आज जन अधिकार पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखंडों में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और साथ में आज रक्षाबंधन भाई बहन बहन की पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन भी है और इस मौके पर दोनों शुभ कार्यों को बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। हम तमाम प्रदेश के युवा साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपका सेवा और संघर्ष के कारण जन अधिकार पार्टी हर मोर्चे पर झंडा गाड़ने का काम की है, हर दुख दुखियों का न्याय दिलाने का काम की है और हर पीड़ितों के साथ खड़ी रही है, हर मुद्दों को लड़ी है, जनता के हित में सदैव आगे बढ़ी है। हमारी पार्टी सेवा संघर्ष और न्याय के साथ लोकतंत्र को और मजबूत कर रही है। मैं युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आज स्थापना दिवस के मौके पर यह संकल्प लेता हूं कि मेरा तो लगातार बिहार में अन्य जिलों में दौरा हो रही है, प्रखंड प्रमंडल वाइज बैठक हो रहे हैं और मैं एक एक जिला के प्रखंड स्तर तक अपने युवा साथी को पूरा मजबूत करूंगा और जो जन अधिकार पार्टी और आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का विचार है उसे एक एक आदमी तक निचले पौधान तक पहुंचाऊंगा ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि जन अधिकार पार्टी ने जो किया है वो किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, सिर्फ नाम है लोगों का लेकिन करने में तो विश्वास रखती है जन अधिकार पार्टी। समय पड़ती है तो राजनीति भी करती है, समय पड़ती है तो सेवा नीति भी करती है और दोनों हमारे पार्टी का दो रूप है और सेवा न्याय संघर्ष के साथ जो हमने कहा कि लोकतंत्र को हमने मजबूत करने का काम किया है, आने वाला वो दिन दूर नहीं जब हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ एक एक लोग जुड़ेंगे और हमारे पार्टी का हर क्षेत्र में एक नया मजबूत संगठन होगा और आने वाला समय में बिहार के इतिहास में, बिहार के राजनीति इतिहास में एक नया रोल होगा, एक अहम रोल होगा। जय जन अधिकार पार्टी, जय पप्पू यादव।